साथियों अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम आपको दो अदाद को जमा करके इनका स्क्वायर यानी मुरब्बा लेना सिखाएंगे। फर्ज करें कि हमारे पास पहली रकम ए है और दूसरी रकम बी है। अब इनको जमा करने से ये ए प्लस बी हो जाएगा। अब हम इनका मुरब्बा यानी के स्क्वायर ले लेते हैं, तो ये हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर मुरब्बा हो जाएगा। आप जानते हैं कि मुरब्बा लेने के लिए किसी रकम को उसी से ज़रब दी जाती है। हमारे पास रकम a प्लस बी है, यानी हम a प्लस बी का मुरब्बा लेंगे। इसके लिए हमें a प्लस बी को a प्लस बी से ही ज़रब देना होगी। ये एक तवील अमल है। हम अब आपको एक फार्मूला सिखाते हैं जिसकी मदद से आप ये काम आसानी से कर सकते हैं। यानी जब दो रकमें जमा हो रही हूँ तो इनका मुरब्बा लेना होता है और फिर ये फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। यानी पहले आप पहली रकम का स्क्वायर या मुरब्बा लेंगे, फिर प्लस का निशान लगाएंगे, फिर दूसरी रकम का स्क्वायर लेंगे, फिर प्लस का निशान लगाएंगे, फिर दो ज़रब पहली रकम यानी ए ज़रब दूसरी रकम यानी बी। अब मैं आपको ये फार्मूला एक नगमे की सूरत में सुनाती हूँ। पहली रकम का मुरब्बा जमा दूसरी रकम का मुरब्बा जमा दो ज़रब पहली रकम ज़रब दूसरी रकम।